मंजू, आज का हमारा टॉपिक है समाधि और उसके भेद। आज हम इस वीडियो में समाधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके कितने टाइप हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। महर्षि पतंजलि ने पातांजल योग सूत्र को चार भागों में बांटा है, जिनको और इसमें टोटल 195 सूत्र हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, साधनपाद में 55, विभूतिपाद में भी 55 और कैवल्यपाद में 34 सूत्र हैं। इसमें टोटल 195 सूत्र हैं। समाधिपाद में महर्षि पतंजलि ने समाधि के बारे में भी वर्णन किया है कि समाधि क्या है और समाधि के कितने भेद हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इन चित्त की वृत्तियों के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, और चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। जब यह स्थिति प्राप्त होती है तो इस स्थिति को ही निर्वाण, मोक्ष और कैवल्य की स्थिति कहते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर समाधि की प्राप्ति होती है। महर्षि पतंजलि ने दो प्रकार की समाधि कही है और आगे इसके अनेक प्रकार भी हैं। पहले हम देखते हैं कि मेन दो प्रकार की समाधि कौन सी है। एक होती है संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? जब वशीकार वैराग्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात मन वश में होकर और ये जो सांसारिक भोग हैं उनके प्रति तृष्णा का भाव का अभाव हो जाता है, अर्थात वितृष्णा पैदा हो जाती है, तब वशीकार वैराग्य होता है और इसे ही संप्रज्ञात समाधि कहा है। चित्त की वृत्तियों का अनेक रूप है जो एक एक स्तर पर जिनका निरोध होता जाता है, और इस निरोध होने की स्थिति के आधार पर ही संप्रज्ञात समाधि को चार भागों में रखा है, जैसे वितर्क, विचार, आनंद और स्मिता, अर्थात वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। सबसे पहली समाधि है सविकल्प समाधि। इस समाधि में स्थूल विषयों तथा सूक्ष्म विषयों का ग्रहण करने में आते हैं। इसमें स्थूल विषयों का पर ध्यान करने से उसके नाम, रूप और ज्ञान, इन तीनों का सम्मिश्रण बना रहता है। अर्थात मान लीजिए हम किसी स्थूल विषय पर ध्यान करते हैं, या ये कहें कि मान लीजिए हम किसी वस्तु को याद करते हैं जिसका हमें पहले अनुभव हो चुका है, या किसी ऐसे दृश्य हमें याद आता है जहाँ पर मान लीजिए हम कहीं गए थे, तो उससे रिलेटेड उसका नाम, रूप और ज्ञान, मतलब वो दृश्य उस जगह का क्या नाम था, उसका कैसा रूप था, उससे रिलेटेड हमारे माइंड में जितने भी बातें हैं वो सब एक साथ याद आने लगती हैं। इस स्थिति को ही सविकल्प समाधि कहते हैं। इस समाधि में मन वश में तो हो जाता है, लेकिन नाम, रूप और ज्ञान, इन तीनों का सम्मिश्रण बना रहता है, इसीलिए इस समाधि को सविकल्प समाधि कहते हैं। सविकल्प समाधि में हमने देखा कि नाम, रूप और ज्ञान, इन तीनों का एक साथ स्मरण होता है, इसलिए उसको सविकल्प समाधि कहा गया है। इसके अपोजिट होता है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में नाम, रूप और ज्ञान, इन तीनों का एक साथ स्मरण न होकर अलग अलग ये चीजें स्मरण में आती हैं, इन चीजों का अलग अलग तरीके से ज्ञान होता है, इसीलिए इस समाधि को निर्विकल्प समाधि कहा है। ये सविकल्प और निर्विकल्प दो भेद विकल्पानुगत समाधि के भेद थे। इसी प्रकार दूसरा भेद आता है विचारानुगत समाधि। विचारानुगत समाधि के भी दो भेद हैं, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि। जिस प्रकार वितर्कानुगत समाधि में स्थूल विषयों में ध्यान करने पर
उसके नाम रूप और ज्ञान इन तीनों का स्मरण होता है, उसी आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं। इसी प्रकार विचारानुगत समाधि में सूक्ष्म विषयों पर ध्यान करने पर जब नाम रूप और ज्ञान इन तीनों का सम्मिश्रण बना रहता है तो वह स्थिति सविचार समाधि कहलाती है, और जब सूक्ष्म विषयों पर ध्यान करने पर नाम रूप और ज्ञान इन तीनों का एक साथ ज्ञान न होने पर अलग अलग होता है तो वह स्थिति निर्विचार समाधि कहलाती है। इसके बाद आती है आनंदानुगत समाधि। जब निर्विचार समाधि के लगातार अभ्यास से साधक को परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, परमात्मा की कृपा प्राप्त होने से उसके अंदर जो मलिनता बची है वह भी नष्ट हो जाती है, अर्थात उसको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर उसको जो अपने अंदर एक आनंद का अनुभव होता है तो यह स्थिति आनंदानुगत समाधि की होती है। इस स्थिति में उसको अपना साक्षात्कार हो जाता है और उसके अंदर की जो गंदगी है वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुकी होती है। आनंदानुगत समाधि के बाद जब साधक को अस्मिता का भान रहता है, अर्थात मैं हूँ, जब मैं हूँ इसका भी निरोध हो जाता है, और ये कब होता है, जब वह साधक लगातार अभ्यास करता है। अभ्यास करने के बाद यह स्थिति आ जाती है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कि ये भी मैं हूँ, ये भी भाव उसका समाप्त हो जाता है। जब यह स्थिति आती है तब इस स्थिति वाली समाधि को अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि के प्राप्त होने पर या संप्रज्ञात समाधि के साधने पर मन पूरी तरीके से वश में हो जाता है और जो इंद्रियां हैं वो भी बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी हो जाती हैं, अर्थात साधक को किसी भी तरीके का सांसारिक भोग की इच्छा नहीं रहती, उसको किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता। जब यह स्थिति आती है यह विराम प्रत्यय कहलाता है, और जब इसका भी अभ्यास क्रम छूट जाता है और जो चित्त की वृत्तियां हैं वो चित्त में केवल संस्कार रूप में विद्यमान रहती हैं और उनका हमेशा के लिए अभाव हो जाता है, यह स्थिति असंप्रज्ञात समाधि की होती है। अर्थात असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की वृत्तियों का हमेशा के लिए अभाव हो जाता है और वो चित्त में केवल संस्कार रूप में विद्यमान रहती है। ये थी असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद हैं, एक निर्बीज समाधि और एक सबीज समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के इन भेद को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप योग से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ये आपकी स्टडी से रिलेटेड है, यदि आप पीजी डिप्लोमा योग में कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं योग से, या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह टॉपिक बहुत ही हेल्प करेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको डेली नए टॉपिक के वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।